ग्वालियर में सैकड़ों छात्र छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। फूड पॉइजनिंग के शिकार सभी छात्र छात्राएं देश के प्रतिष्ठित LNIPE यानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान विश्वविद्यालय के हैं। इन सभी ने रात के वक्त डिनर और सुबह ब्रेकफास्ट किया था। यहां खाना विश्वविद्यालय की मेस से छात्र छात्राओं के लिए आया था और उसी के बाद से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। धीरे धीरे सभी की हालत काफी बिगड़ने लगी, जिसे देख तत्काल इलाज के लिए नव निर्मित 1000 बिस्तर के अस्पताल लाया गया, जहां सभी छात्र छात्राओं को मेडिसिन वार्ड में भर्ती कराकर इलाज शुरू कराया। इनमें से कुछ छात्रों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनकी संख्या तकरीबन 25 है। एक दो छात्रों को इलाज के लिए ICU में एडमिट किया गया है, उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। सभी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 100 से अधिक है। उन्हें फूड पॉइजनिंग हुआ है, इसके बाद इन्हें अस्पताल लाया गया था, जहां इनका उपचार शुरू कर दिया गया है। अस्पताल के सभी डॉक्टरों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है, जिससे कि छात्र छात्राओं को बेहतर इलाज मिल सके। वहीं LNIPE के अधिकारियों का कहना है कि सभी छात्र छात्राएं फूड पॉइजनिंग का ही शिकार हुए हैं। उन्होंने मैस में बने खाने की जांच करने की बात भी कही है। उनका यह भी कहना है कि 25 से 30 छात्र छात्राएं जिनकी हालत थोड़ी गंभीर है, उन्हें ड्रिप चढ़ाई जा रही है। इसके अलावा एक दो छात्र गंभीर हालत में हैं, जिनको विशेष डॉक्टरों की निगरानी में इलाज कराया जा रहा है और सभी का इलाज अभी भी जारी है। फिलहाल देखना यह है कि छात्र छात्राओं को यह दूषित खाना किसके द्वारा खिलाया गया था, जिसकी वजह से बच्चे बीमार हुए थे, जिस पर उचित कार्रवाई करने की बात विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने कही है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।